सिवान में आज वामपंथी दल भाकपा माले ने शहर के सभी चौक चौराहों को जाम कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बंद का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया। कामगार, मजदूर, रसोईया, आशा कार्यकर्ता के समर्थन में उतरे भाकपा माले ने शहर में चक्का जाम कर कहा कि आशा कार्यकर्ता रसोइयों को समान वेतन मिले। 18,000 रुपये की मांग करते हुए शहर के जेपी चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं इस जाम में आवागमन बिल्कुल बाधित रहा। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि इस बंदी के बारे में कोई सूचना नहीं थी, जिससे काफी परेशानी हुई। इस जाम में एम्बुलेंस और कैदी वाहन भी फंसे रहे। बंदी में फंसे हैं, कब से फंसे हुए हैं? हमको यहाँ खड़ा हुआ 45 मिनट हो गया लगभग। कुछ आइडिया भी नहीं था, पहले से कोई अनाउंसमेंट भी नहीं था, आदमी नहीं मूव करता। बहुत जरूरी काम सुनाना है और परेशानियों का सामना करना, बहुत परेशानी हो रही है। पूरा पीछे तक लाइन लगा हुआ है, खुले कुछ कोई चांस नहीं है। आप तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ने का कोई चांस है, गाड़ी छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। पहले से कुछ अनाउंसमेंट रहता तो आदमी सोचता कि हाँ उस समय में मूव नहीं किया गया। बिना जानकारी का ये बंदी हुआ है। पहले से सूचना रहती तो उस समय में मूवमेंट नहीं किया जाता। मरीज इमरजेंसी में है ना? इमरजेंसी में है मरीज। कहाँ लेके जा रहे हैं? महरवा जाएंगे। रेफर है? नहीं रेफर तो नहीं, हाँ रेफर है लेकिन ले जा रहा है दूसरा। जाम में मरीज खुले के फंसे हुए हैं। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में 8 और 9 आम हड़ताल है, जिसमें सारे श्रमिक मजदूर संगठन इसमें शामिल है। वाम पंथ की तरफ से भी पूरे बिहार के बंद में जो आशा कार्यकर्ता है, जो हमेशा धूप में, ठंडी में, बरसात में जो आशा कार्यकर्ता काम करती है, जो स्कूल में रसोईया महिला लोग काम करती है, जो भी उसमें कर्मचारी हैं, आशा कार्यकर्ताओं का मांग है कि हम लोगों को 18,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलना चाहिए और हम लोगों को अस्थायी नौकरी मिलना चाहिए। अब दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जब इनको आशा कार्यकर्ता के सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है, तो वार्ड मेंबर के चुनाव, मुखिया के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, ये सारे उनके लिए बैंड है। महज उनको एक बच्चा वाला केस पर 600 रुपया मिलता है, 200 रुपया लोग घूस ले लेते हैं, 400 रुपया उनको मिलता है। इसीलिए हमारी पार्टी जो है आशा कार्यकर्ताओं को रसोइयों को वेतन बढ़ना चाहिए, 18,000 रुपया मिलना चाहिए, इनको स्थायी नौकरी मिलना चाहिए। इस मांग के साथ हम लोग आज पूरे मजबूती के साथ इनके समर्थन में पार्टी कंधा से कंधा मिला के सामने। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे, निश्चित हम लोग जीतेंगे। बात भी सही है, उनके साथ दोहरा नीति है सरकार के, और इसीलिए हम लोगों ने इस संबंध में समर्थन दिया है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक महंगाई भ्रष्टाचार और विभिन्न जो है श्रमिक संगठनों के जो हड़ताल चल रहे हैं, आशा कार्यकर्ता हमारे बड़े तो भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वाम दलों ने बंद का आह्वान किया है, इसका राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया है, और इस तरह के जो है विरोधी में जो है बड़ा रोष है, जो कठिनाई में है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, कई बहनों से धरना पर बैठी हुई है, अन्य श्रमिक संगठन है, वही जो है बहुत परेशान है, उस तरह की नीति नहीं बन पा रही है जिससे उनको मदद मिल सके। इसलिए उस तरह के मजदूरों के लिए उनके व्यक्तिगत फैसला लिया जाए और एक नियम बनाया जाए ताकि श्रमिकों को जो है मदद मिल सके। इसकी कठिनाई को देखते हुए मजदूर संगठनों ने बंद का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन दिया है, और आए दिन देश में जो है भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान जो है मर रहे हैं, किसानों की समस्या है, नौजवान बेरोजगारों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज इन समस्याओं का निदान सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो है केवल जुमला बोल रहे हैं और मदद उठाने का काम कर रहे हैं, इसी के विरोध में जो है।